अब हम दो पॉइंट और नोट कर लेते हैं। क्या पॉइंट है कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अभी क्या पॉइंट है कि जैसे आपके सिस्टम में आर ऑफ जेड भी आ गई, ठीक है, रो ऑफ जीरो भी आ गए। दूसरा, आपका जो फर्स्ट कॉलम है, आर ऑफ जेड आना मतलब क्या, सिमेट्रिकल पोल्स हो गए अबाउट द ओरिजिन, ओके फाइन। दूसरा, जब कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब जब कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है इसका मतलब क्या, कोई भी पोल आरएचएस में तो होगा नहीं, तो आरएचएस में पोल ही नहीं है तो उसका सिमेट्री आपके एलएचएस में कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उस केस में सारे पोल्स कहाँ रहेंगे, आपके इमेजिनरी एक्सिस पर रहेंगे। तो इमेजिनरी एक्सिस मतलब मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो लिख लीजिए इफ, ठीक है, तो पॉइंट आपका क्या है, इफ रो ऑफ जीरो अकर्स एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम्स फर्स्ट कॉलम आर सेम साइन, ठीक है, साइन सभी का क्या है, सेम होना, ओके ओके, सेम साइन, द सिमेट्रिकल पोल्स विल लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, देन सिमेट्रिकल पोल्स विल लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस, हिंस सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल। कहानी समझ में आ चुकी है आपको, ठीक है। और यदि साइन चेंज होता है तो पक्का, क्या पक्का, कि देर विल बी सम पोल्स इन द आर एच एस, यस और नो, बात समझ में आ गई। तो आर ओ जेड अकर होती है तो उसके सिग्निफिकेंस आपको समझ में आए। अब कुछ और इसके अंदर है जो आपको नोट करना है, ठीक है, क्या है भाई, देखिएगा जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो इसमें हम नोट कर सकते हैं, ओके, क्या क्या है पॉइंट्स देखिएगा जरा। मैं आपके सामने एक आर एच टेबल लेता हूं, है ना, सिंपल साइन वाइज, पहला एलिमेंट प्लस है, दूसरा प्लस है, यहाँ पे रो ऑफ जीरो आ गई है सपोज, ठीक है, दिस इज नथिंग बट आर ओ जेड इन द सिस्टम, ठीक है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद प्लस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताइएगा जरा। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो क्या है, मार्जिनल स्टेबल, ठीक है। पोल्स क्या है, सिमेट्रिकल पोल्स। कितने पोल्स सिमेट्रिकल है भाई, ऑर्डर ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन के बराबर, यस और नो, कितने सिमेट्रिकल पोल्स हैं, सिमेट्रिकल पोल्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन के बराबर है। सपोज ये एस टू द पावर 3 टर्म में आता है तो एस टू द पावर 4, यानी कि 4 पोल सिमेट्रिकल रहेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो हाईएस्ट पावर ऑफ एस जो है वो 4 है, तो 4 पोल सिमेट्रिकल रहेंगे, ठीक है। तो जो पोल सिमेट्रिकल रहेंगे वो होते हैं ऑर्डर ऑफ द AE, तो इसे लिख सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, ऑर्डर ऑफ AE है, ओके। नाउ आपने ये देख लिया, है ना, चलिए ये कहानी आपने देख ली, चलिए इसको हम मिटाते हैं। अभी क्या होता है कि यहाँ साइन चेंज हो रहा है सपोज, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज जो हो रहा है वो कितना है, आपका टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज देख रहे हैं हम, ठीक है, कितना है देखिए इधर, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव आए एक साइन चेंज, और नेगेटिव से पॉजिटिव आए दो साइन चेंज, है ना, साइन चेंज कितने हैं, दो साइन चेंज, मतलब पोल्स कहाँ पे रहने वाले हैं, पोल्स कहाँ पे रहने वाले हैं आपके आरएचएस में, कितने पोल, दो पोल, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या मुद्दा आता है, टोटल पोल सपोज इसमें एस टू द पावर 4 टोटल पोल है, ठीक है, टोटल पोल सपोज हाईएस्ट पावर है, एस टू द पावर 4 है, ठीक है, तो 4 पोल होने आपके, जिसमें से दो पोल इधर होंगे आपके पास, तो पोल्स जो है वो सिमेट्रिकल है, कितने पोल सिमेट्रिकल है राजा, कितने पोल सिमेट्रिकल है, सपोज ये एस टू द पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 5 है इस क्वेश्चन में, तो 4 पोल जो है वो सिमेट्रिकल रहेंगे, 4 पोल सिमेट्रिकल रहेंगे, तो ये जो दो पोल है इनका सिमेट्रिकल पोल्स आपको एलएचएस में रहेगा कब जब ये साइन चेंज बिलो
ROZ होते हैं। देखो ROZ के नीचे, ROZ के बिलो साइन चेंज हुए हैं ना, तो बिलो साइन चेंज ये बोलता है कि जितने भी साइन चेंज हुए हैं उनका सिमेट्रिकल, उनके सिमेट्रिकल LHS में अवेलेबल रहेंगे। टोटल 5 पोल है तो एक बचा हुआ पोल आपका LHS में रहेगा, नो डाउट एट ऑल। बट 2 RHS में जो पोल हैं उनके साथ ही उनके जोड़ीदार, उनके सिमेट्रिकल पोल आपको LHS में मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन बोला, कौन बोला? आपको बोली आपकी इक्वेशन। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब नया कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा जरा। ये एक RS टेबल का मैंने साइन वाइज आपको एक डेमो लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है जिसका पहला एलिमेंट माइनस है और दूसरा प्लस हो गया, मतलब यहाँ साइन चेंज हुआ क्या? हाँ हो गया। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस है, अगेन साइन चेंज, दो साइन चेंज हो रहा है। दो साइन चेंज इंडिकेट्स क्या करते हैं? दो पोल इन RHS होंगे पक्का। यानी कि इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो दो पोल RHS में होंगे, पक्की बात हो गई, ये तो फिक्स हो गया। टोटल कितने पोल है इसके? 5 पोल हैं। टोटल कितने हैं? टोटल कितने पोल हैं इसमें? 5 पोल। ये रूट्स कितने हैं? 5 रूट्स हैं, जिसमें से 2 तो RHS में हो गए, बाकी के किधर होंगे? बाकी के LHS में होंगे। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपको चाहिए सिमेट्री भी, आपको चाहिए क्या? सिमेट्री भी। किसकी सिमेट्री? आपके ROZ सिमेट्री आ गया। ठीक है, अब देखो जरा ये सिमेट्री कितने पोल्स की सिमेट्री, ROZ बताएगी कि पोल्स आर सिमेट्रिक, कितने पोल्स आर सिमेट्रिक? ऑर्डर ऑफ द AE, ऑर्डर ऑफ द AE के बराबर पोल्स आर सिमेट्रिक। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ AE के 4 आपके पोल्स हैं जो कि सिमेट्रिक। अब देखते हैं कितने आपके इस एक्सिस पे है और कितने इमेजिनरी एक्सिस पे। तो सबसे पहली बात मैं क्या बोलता हूं कि ये जो साइन चेंज हुआ ना बिलो, ये साइन जो चेंज हुआ ये बिलो ROZ है ना, ये बिलो ROZ है, ये वाला जो साइन चेंज हुआ ये एबो ROZ है, यस और नो? तो यहां से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूं, जो साइन बिलो ROZ होता है, जो साइन चेंज बिलो ROZ होता है, तो जितने साइन चेंज होते हैं ना, यानी कि जितने पोल्स इन RHS में होते हैं उनका सिमेट्रिक लेफ्ट में मौजूद रहेगा। ठीक है, यहां पे एक साइन चेंज हो रहा तो किसी एक के रिस्पेक्ट में, किसी एक के रिस्पेक्ट में पोल उसके RHS में मौजूद है। बात समझ में आ गई? इफ स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? इफ साइन चेंज अकर्स बिलो ROZ, इफ साइन चेंज अगर बिलो ROZ, देन देयर मस्ट बी सिमेट्रिकल पोल इन द LHS विल बी अवेलेबल फॉर द पोल प्लेस्ड इन RHS। मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, डोंट वरी। ये बात समझ में आ गई? टोटल 5 पोल करना है, 3 पोल तो आ चुके हैं, अब रिमेनिंग 2 पोल जो हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे चले जाएंगे, क्योंकि टोटल पोल जो सिमेट्रिक करवाने वो 4 हैं, तो 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। कहानी समझ में आ गई? क्यों ये यहाँ पे इसका सिमेट्रिक पोल्स यहाँ पे नहीं लेना? क्योंकि 2 बार साइन चेंज होता, सपोज 2 बार साइन चेंज हो जाता तो यहाँ पे 2 पोल सिमेट्रिकल होते हैं। यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, जो एबो होते हैं उसके लिए कोई साइन चेंज नहीं, मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। लेट्स कम ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, देखो साइन चेंज बिलो आ रहा है, साइन चेंज जो है वो बिलो ROZ आ रहा है, बिकॉज दिस इज द ROZ। बिलो ROZ आने का मतलब है कि बिलो ROZ कितने साइन चेंज? 2 साइन चेंज। तो 2 साइन चेंज मतलब 2 पोल्स कहाँ पे आ गए? आपके RHS में आ गए। तो 2 साइन चेंज बिलो ROZ मतलब 2 LHS में पोल्स रहेंगे, इनके सिमेट्रिक पोल्स रहेंगे। ठीक है, ये बात पक्की हो गई। ये बात पक्की किसने करवाई आपकी? ये बात पक्की करवाई आपकी जो साइन चेंज हुआ ना वो बिलो ROZ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक ही साइन चेंज हो रहा था तो किसी एक पोल का ही सिमेट्रिक यहाँ पे मौजूद रहेगा, इसका नहीं था ना? देख लो यहाँ पे 2 क्यों किया? क्योंकि 2 साइन चेंज हुए बिलो ROZ। ये 2 साइन चेंज यदि एबो ROZ होते ना तो ये इधर आप सिमेट्रिक देने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। अब टोटल नंबर ऑफ पोल जो सिमेट्रिक होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 4 सिमेट्रिक हो गई, बचा 1, तो 1 कहाँ आएगा? 1 आएगा आपका इसमें। इधर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ओनली 2 साइन चेंज हुए तो 2 पोल RHS में होंगे। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? इमेजिनरी एक्सिस में हमेशा पेयर में आते हैं, आपके पास 1 ही बचा है तो वो कहाँ जाएगा? LHS में जाएगा। कहानी समझ में आ गई? स्टेटमेंट लिखिए। तो ये आपके स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, इफ द साइन चेंज अकर्स बिलो ROZ देन देयर मस्ट बी अ सिमेट्रिकल पोल इन द लेफ्ट
टू द पोल प्लेस्ड इन द राइट साइड, ये देख लिया आपने, यहाँ से समझ लिए ये आर ओ जेड में ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट भी, इफ द साइन चेंज अकर्स अबो आर ओ जेड देन देर इज नो सिमेट्रिकल पोल्स लेफ्ट टू द पोल्स प्लेस्ड इन राइट, ठीक है। कुछ टाइम बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, तो आपको इस सारी चीज़ों का एप्लीकेशन वहाँ पे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई, ये अच्छे से समझ में आया ना आपको। अब देखो, आपका आर ओ जेड एक बार आया, मान लो आर ओ जेड दो बार आ जाता तो क्या होता भाई? आर ओ जेड रिपीट हो जाना मतलब आपके सिमेट्रिकल पोल्स भी रिपीटेड हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात। यानी कि इफ यू हैव ओनली वन आर ओ जेड, ठीक है, ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट हो गया, इफ आर ओ जेड अकर्स वंस इट मींस पोल्स आर नॉट रिपीटेड बट सिमेट्रिकल, इफ आर ओ जेड अकर्स मोर देन वंस इट मींस पोल्स आर रिपीटेड एंड सिमेट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपकी आर ओ जेड जब ट्वाइस हो जाती है उस सिचुएशन में क्या होता है।